आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते होंगे और रात को सोने से पहले भी आप यही करते होंगे। बहुत बार इंटरएक्टिव दिखने के चक्कर में आप कुछ ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं जिन पर शायद आप एक नजर पूरी भर डालते भी नहीं है। अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद खास है क्योंकि अगर आप इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं जो शायद अंत में जाकर भड़काऊ मैसेज की श्रेणी में आता हो, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार कहलाएंगे जितना कि कोई कंटेंट जनरेट करने वाला शख्स जिम्मेदार होता है। तीन खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। पवन दुग्गल साहब मेरे साथ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ हिमांशु वर्मा सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ। और राहुल त्यागी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है लुसीडियस के, वो भी हमसे बातचीत करेंगे। आप तीनों से मैं कोई सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली की जनता से जब हमने बात की तो आखिर वो क्या कुछ सोचती है इस पूरे ही मामले के बारे में। आप सबसे पहले उनकी राय सुनिए। We need to verify for ourselves what is right, what is wrong, and then we need to think more for our own selves rather than telling others what to do. और जो भी हमको भेजना है किसी को, हमारी जिम्मेदारी है भेजते हुए, तो हमें वेरीफाई तो कर ही लेना चाहिए। That's the minimum that we can do. कहीं भी चेक करना पसंद नहीं करते और मान लेते हैं कि जो कहीं से और से आ रहा है तो वो सही होगा, तो वो लोगों को अपना एक परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो दुनिया में हो रही है वो सही नहीं हो रही है, हर चीज़ इंटरनेट पर अखबार नहीं है। के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए और हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए विदाउट रीडिंग। तो इससे लोगों को गलत इफेक्ट जाता है और गलत SMS जाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। हाँ, बिना सोचे समझे आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या फॉरवर्ड कर रहे हो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये रूमर हो सकता है। आप बिना सोच समझ में, तो एक सोशल नेटवर्क तो सारे मैसेजेस ऐसे रूमर्स ही आते हैं, तो आपको ऐसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कि अभी का जो माहौल चल रहा है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी ओपिनियन दे देते हैं। ये एक इंडिपेंडेंस कंट्री है, बट कुछ भी चीज़ बोलने से पहले 100 बार सोची जाती है, उसके बाद में किया जाता है। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, इसके लिए हम लोग अभी उसके चीज़ को अवॉइड करते हैं, ना कि किसी के ऊपर टिप्पणी करने से हमको कुछ भी मिलता नहीं है। कभी भी कोई भी गलत मैसेज हो तो कभी भी शेयर करना नहीं चाहिए, वो कानूनी कार्यवाही हो सकती है उसके पीछे। पहले हम सभी मैसेज को फॉरवर्ड कर देते थे, ग्रुप में डाल देते थे, और पहले ऐसे हमें पता नहीं लगता था कि भी ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, क्योंकि अभी सब पोस्ट भी ऐसी आ रही है, माहौल भी बहुत वो है, तो अब उसमें हम अवॉइड करते हैं। तो दिल्ली और अहमदाबाद से कुछ लोगों की राय हमने आपको सुनवाई, उनके सुझाव आपको सुनवाए, और ये वो तबका है जो पढ़ा लिखा तबका है शहरों वाला, जो ये जानता है और समझता है कि शायद रीट्वीट करने से पहले या कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड करने से पहले वो एक बार सोचना और समझना चाहती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग बिना पूरा मैसेज पढ़े फॉरवर्ड नहीं करते हैं, यही साइकी हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले पवन दुग्गल साहब, एक बात मुझे बताइए कि हमने दिल्ली और अहमदाबाद के लोगों से बात की, जब आप बात करेंगे किसी से तो यही रिएक्शन आता है कि देखिए पढ़कर करना चाहिए, समझकर करना चाहिए, पूरा मैसेज पढ़ना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोग खुद उस श्रेणी में आते हैं जो बिना मैसेज पढ़े ही फॉरवर्ड भी कर देते हैं, उसके पीछे की मानसिकता क्या होती है सर? मानसिकता ये रहती है कि जो गलत काम करेगा दूसरा व्यक्ति करेगा, मैं नहीं करूंगा, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, हर व्यक्ति ऐसा समझता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में हर लोग दूसरे लोगों को हिदायत देने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस हिदायत को अपने जीवन में अमल करने में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। इसलिए ये कहना तो बहुत अच्छा है कि हाँ पढ़ के करना चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं हमें क्यों लगता है कि हमारे पास कोई लीगल एक्सपोजर नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये विडंबना है इस मानसिकता में, ये ड्यूअल माइंडेड पर्सनालिटी है जो अधिकांश ऑनलाइन यूजर्स में हम देखते हैं, और ये भारतवर्ष में नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भारतवर्ष में तो हमको कुछ ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम बहुत दूर दूर तक है, मैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हूँ और मैं या मेरा परिवार को कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोग भूल जाते हैं कि द मोमेंट आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, और जितने जागरूक
सावधान आप रहेंगे उतना बेनिफिट आपको होगा। बिल्कुल दुग्गल साहब, और यही कोशिश भी हमारी रहती है, हम बार बार जब इस तरह के शोज करते हैं तो मकसद यही होता है कि देखिए सोशल मीडिया हो या फिर जो ये इंटरनेट का जमाना है, ये काफी फास्ट है और जितनी हमारी सोच है उससे कहीं ज्यादा आगे ये सोचता है, इसलिए कुछ भी करें तो संभल कर करें। हिमांशु, ये पूरा का पूरा मामला उठा मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला यहाँ पर सुनाया, कैसे एक नेताजी कुछ टिप्पणी कर देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए जो मुझे मैसेज आया था मैंने बस उसे फॉरवर्ड किया, यानी कि बहुत बड़ा तबका, जो कि मैं बात कर भी रही थी कि बहुत बड़ा तबका है जो ये सोचता है, दुग्गल साहब ने ये बात मानी कि हम ये सोचते हैं कि हम ही सबसे सही हैं, लेकिन वो मानसिकता क्या है उसके पीछे, कि क्या ज्यादा अपने आप को एक्टिव दिखाने के चक्कर में भी बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाने के चक्कर में, और होता क्या है कि ये ट्रेंड सा बन गया है, कोई भी मैसेज आपके पास आ रहा है ये होड़ सी लग गई है, हर आदमी अपने व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको सर्कुलेट करना चाहता है अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना चाहता है, लेकिन अधिकांश ऐसे मैसेजेस को वो पूर्ण तरह से ना उसको समझते हैं ना उसके बारे में कोई ऐसी समीक्षा करते हैं कि वो मैसेज फॉरवर्ड करने लायक है भी, क्या उसके दूरगामी क्या परिणाम होने वाले हैं। तो अब समय आ गया है कि हमने देखा है कि कई बार भारत में हमें इंटरनेट सुविधाएं को जो है पे अंकुश लगाना पड़ा है, कई बार बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके हैं, बहुत बार हमने देखा है, अभी हमने गुड़गांव में जो हरियाणा में हुआ था वो हमने देखा, फिर हमने कराना, बहुत बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रहा है, जहां पे लोग 70-80% क्या होता है उसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो 20% नोइंगली करते हैं वो भी उसी भीड़ में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि कौन उसको इंटेंशनली कर रहा है कौन नॉन अनइंटेंशनली कर रहा है, तो उसको देखने की जरूरत है, हम लोगों को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है और साथ ही साथ हमारे कानून को भी उतनी सशक्त होने की जरूरत है जिससे वो सही से डंडा लगा सके जो लोग ये चीज को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, मुझे याद है जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी, जब हम नया नया एक प्लेटफॉर्म आया था आपको याद होगा, तो ये उत्सुकता रहती थी कि हम भी इस पर अपना अकाउंट बनाएं, हम भी अपने पुराने दोस्तों को खोजें, शायद जिसकी शुरुआत उस चीज से हुई थी। उसके बाद जब ट्विटर आया तो एक समय वो भी था जब ये कहा जाता था कि जो इंटेलेक्चुअल क्राउड है वो आपको ट्विटर पर मिलेगा, जो इंटेलेक्चुअल क्राउड है वो आपको फेसबुक पर मिलेगा, और बाकी प्लेटफॉर्म्स को हम धीरे धीरे छोड़ने लग गए थे। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कहलाने वाला आदमी ही बहुत बार आज सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाल देता है जिससे कम्युनलिज्म से लेकर बहुत सारी ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती है, इस नाम पर कि मैंने तो जनाब बस एक फॉरवर्ड किया था मैसेज, ये मेरी सोच नहीं है। यहां पर ये देखिए, अगर सोच उनकी भी हो तो हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो उस वर्ड को लेकर है जिसे बोलते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये एकदम क्लियर सिटीजन को नहीं पता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा कहाँ तक है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ लोग ऐसे मामलों में फंसते हैं जिनका उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि इतना बड़ा पंगा हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस क्लासिक केस की एक एग्जांपल लें, मेरे ख्याल से जो जेंटलमैन है, पॉलिटिशियन है, आई डोंट थिंक सो कि वो नियर बाय भी हैं हमारे लॉ को लेके, बिकॉज लॉ इज वेरी वेरी क्लियर कि सोशल मीडिया इज लाइक योर सोशल लाइफ। आप पब्लिक डोमेन में जाके अगर ये ऐसी बातें करते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अगर आपके कुछ फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं और आप ये सेम चीज एकदम ढलने से वो चीज बोल सकते हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे वो इंसान के नहीं है तो उनको एक बेधड़क होके वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो चैलेंज आज, ये एक एग्जांपल जो हमारे सामने आया पॉपअप करके, आप सोचिए ऐसे कितने एग्जांपल होंगे जहां पे लोगों को ठेस पहुंच रही है या कुछ और भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस नहीं है लोगों में विद रिस्पेक्ट टू, आज में 3-4 साल से शुरू है, तो जितनी जल्दी लोगों को बताया जाए। आईटी एक्ट 2000 एंड 2008, आई थिंक पवन सर उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे वे में, कि वो जो कुछ भी इंटरनेट पर प्रकाशित कर रहे हैं उसके कानूनी परिणाम है। इज अ प्रोफेशनल लॉयर, बट जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आज एक इंसान को लॉ की थोड़ी वो आकर उनको सता सकते हैं,
ताकि वो ज्यादा जागरूक हो उतना ही अच्छा होगा। किसी भी समझ हो वो एटलीस्ट एक बार तो जरूर सोचेगा कोई भी चीज ऐसा पोस्ट करने के लिए। दुग्गल साहब, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, आपने पहले भी कहा है कि स्कूल करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। इवन फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशन ये बोलता है कि आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने पढ़ी नहीं। सोशल मीडिया बिहेवियर, जो आपने यह साइबर हाइजीन शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे बहुत राहुल, लेकिन ऐसे में है क्या ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि छोटी उम्र से हम बच्चों को सेलफोन तो दे देते हैं, सो बार ऐसी चीजें लोग कर जाते हैं और बहुत बड़ा मामला है ये। दुग्गल साहब, मैं आपसे, सोशल मीडिया पर वो अकाउंट भी बना लेते हैं और ऐसे में उन्हें शायद खुद नहीं पता होता है, इस पर रिएक्शन चाहूंगी। बीजेपी के नेता है यहाँ पर स्वे चंद्रशेखर, जो कि है कि एक गलत कदम उनके लिए कैसी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हिमांशु, इस पर आप, जिन्होंने महिलाओं को लेकर एक ऐसा मैसेज, और आगे आपसे रिएक्शन चाहूंगी कि जब कोई छोटा बच्चा इस तरह की हरकत कर देता है, हमने पिछले दिनों एक मामला पोस्ट फॉरवर्ड किया जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे गलती करता देखा जाए, जब दो युवा लड़कियों ने, यंग गर्ल्स, दे रिएक्टेड ऑन सोशल मीडिया, तो समझ में आता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जिसकी सोसाइटी दिया, पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, लेकिन क्यों जब ये सेलिब्रिटी स्टेटस में एक इमेज है, एक सेलिब्रिटी टैग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस वाले लोग कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं या खुद हमारे बहुत सारे, जब इस तरह की हरकतें वो करता है तो मैसेज कन्वे करने का तरीका जो है, ऐसे जाने माने चेहरे हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पर, जो वो पूरी तरह से बदल जाता है। और मद्रास हाईकोर्ट का अपने आप में बहुत ही इसी तरह की मानसिकता को, कम्युनलिज्म फैलाने के मामले में या कुछ गलत परिभाषा को आगे बढ़ा, फैसला ऐतिहासिक फैसला है ये, यहां पर पढ़ाने में बहुत तत्पर रहते हैं जाने माने चेहरे जब इन लोगों को फॉलो करते हैं। देखिए, फैसला बहुत बेहतरीन है, और तो क्या तब पुलिस या फिर साइबर लॉ कोई एक्शन नहीं लेता है? अल्टीमेटली बात वही है कि सुविधा आपको, ये था, ये 2012 का प्रेफर कर रही थी, इसमें दो शाहीन और रेनू करके जो एक लड़कियां थी, जो बाला अपनी ड्यू डिलिजेंस की कितनी लेनी है। हम लोग अक्सर क्यों भूल जाते हैं, साहब ठाकरे की मृत्यु पे उन्होंने फेसबुक पे आपत्ति जलाई थी, उस पे बंद को लेकर उन्होंने वहां पे, कि हम पब्लिक स्क्रूटनी में है, अगर हम जीवन में कुछ भी प्रतिष्ठा रेजिस्टेंस शो किया था अपना, जिसके बाद उनको जो हमारा आईटी एक्ट कमा चुके हैं, तो शायद उस प्रतिष्ठा को ही मद्देनजर रखते में हुए, हमें थोड़ा बहुत 2000 है उसका 66A सेक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करी गई थी, जिसको अंकुश अपनाना चाहिए। आप एक पब्लिक लाइफ में पर्सनालिटी होते हुए 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया इस केस में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ, आप ऐसी चीज नहीं कर सकते कि एक तरफ आपने कुछ कह दिया और बाद में कहा कर दिया कि ये उनके 19A जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ, ओहो ये तो मैंने नहीं कहा था, या इसका उद्देश्य मैं नहीं समझा था, या मैंने बिना सोचे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है और वायलेशन है, जिसमें देवर देन फ्रीड ऑफ, तो कहने का मतलब ये, देखिए जिसको फॉरवर्ड कर दिया था। देखिए, ये तमाम सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारतवर्ष में आज एक, अभी भी हमारे जब सेलिब्रिटीज कोई चीजें ऐसी फॉलो करते हैं या किसी चीज को, नए प्रकार की क्रांति हम देख रहे हैं, ये है भारत में उल्टी की क्रांति, या अवॉर्ड करते हैं तो ये तो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, ये तो उनके बेसिक हाइजीन उनको चेक, हर व्यक्ति अपनी जानकारी की उल्टी कर रहा है, और जब उल्टी कर रहा है तो भूल रहा है कि मैंने किस तरह करना ही चाहिए जब भी वो इस तरह की किसी तरह से कोई भी चीज कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे जानकारी किस प्लेटफॉर्म पर उसमें छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, तो हम लोग बहुत सारे देश में सरकार को, पुलिस को और सारी जितनी अथॉरिटीज हैं उनको ऐसे कदम ले इनडिस्क्रिमिनेटली बिहेव करना शुरू कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की कदम उठाने की जरूरत है, जहां पे हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करें कि कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी जो स्किल सेट्स हैं साइबर हाइजीन को लेकर, साइबर स्किलिंग को लेकर, उसको पुनः से फॉरवर्ड करने से पहले क्यों 10-50 बार सोचे, और अगर कर भी रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी दोबारा सशक्त करने की आवश्यकता है, और इस तरह की चीजों के बारे में जानकारी, और वो ये खाली कहना दे कि मैंने तो उसको खाली फॉरवर्ड कर दिया था,
उसका रीजन है एजुकेशन स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाने की जरूरत है पहली कक्षा से। आप सोचें कि दस उसको लाखों और हजारों लोग हमारे देश में फॉलो करते हैं, छोटे छोटे बच्चे फॉलो करते हैं, तो अपनी बारी में पहुंचेंगे तमाम लोगों को समझाएंगे, ऐसी बात नहीं। इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः उसके ऊपर ही होनी चाहिए। और कहने का अब तात्पर्य यानी कि जो बात मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर कही कि अगर आप कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको ग्रुप में शेयर करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, उस पर आपकी सहमति माना जाएगा। राहुल एक बात बताइए कि कैसे हम, क्या कोई तरीका है सोशल मीडिया पर इन गलत खबरों को रोकने का या फिर ऐसे मैसेजेस को रोकने का जो परेशानी बढ़ा सकते हैं देश में? जी देखिए, इंटरनेट को हम, इंटरनेट वर्ड जो आया हुआ है इंटरनेशनल से आया है, और जितने भी प्लेटफॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं, पहली बात वो इंडिया के हाथ में है ही नहीं। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसको ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे कंट्रोल करना वो डिफिकल्ट है। या तो हम इनको बंद ही कर दें, जो पॉसिबल नहीं है। बाकी जो दूसरा जो एक ही सोल्यूशन जो मुझे दिख रहा है, आज आप देखिए कि पुराने जमाने में जब थोड़े हम भी छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें, रिश्तेदारों को बोलते कि हमारा बच्चा गाना अच्छा गाए, डांस अच्छा गाते हैं, देखिए हम, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। आज की डेट में आप देखिए जब भी आप किसी के घर जाते हैं, उनका माँ बाप का पहला काम ये होता है बोलना कि हमारा बच्चा 4 साल का है लेकिन मोबाइल हमसे भी ज्यादा अच्छा चलाता है। नाउ दे फील इट एज अचीवमेंट, आई फील इट एज ए डिजास्टर, क्योंकि आप एक बच्चे को, इज जस्ट लाइक ए गिविंग ए गन टू ए किड हु डोंट नो हाउ टू प्ले विद इट, वो अपने आप को ही मार लेगा उससे, जो कि हो भी रहा है आज की डेट में बच्चों में। तो माँ बाप जहां ये इस चीज को एज ए अचीवमेंट समझ रहे हैं, उनको भी नहीं पता अगर हमारा बच्चा रात को फोन लेके क्या कर रहा है, उसके साथ वो किसी को मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है। ये जो साइबर हाइजीन, जैसे पवन सर ने बोला, ये बहुत जरूरी है। जहां पे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके माँ बाप का सबसे पहला ये पॉइंट बनता है कि वो थोड़ा सा लो पढ़े, अपने बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको बोलें कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करें। और आयरनी अभी यही है कि माँ बाप खुद को, माँ बाप को ही नहीं खुद पता है कि लॉ क्या है, जिसकी वजह से कल को बच्चा ट्रबल करेगा और माँ बाप को भी हरास होना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आई थिंक घर से ही शुरुआत होगी। एक तो आपका एजुकेशन सेक्टर, 10 पॉइंट्स अगर वो दे दें, वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ कंपनीज, हम उनको बताते हैं कि 10 चीजें अगर आप अपने बच्चे को ये 10 चीजें समझा दो, या स्कूल में हाउ टू यूज सोशल मीडिया इन सेफ वे, 10 पॉइंट्स बना दें, क्लास में बच्चे को पढ़ा दें, 1-2 क्लास लगेगी एंड यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी सून। सेकंड, माँ बाप को चाहिए वो थोड़ा सा खुद लो पढ़ें, आज ही पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं कि ये हो चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान से रहिए, एंड दैट इज द ओनली वे, क्योंकि बेस जो रूट कोज है वो ये है। राहुल मुझे अच्छा लगा आपका ये पॉइंट, क्योंकि करिकुलम की बात दुग्गल साहब कर रहे थे, वो करिकुलम में तो कब आएगा, स्कूल्स कब ये करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हमारे वो दर्शक जिनके बच्चे टीनेज में हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, राहुल ने बहुत अच्छी बात यहां पर कही और दुग्गल साहब भी इसे बैक करेंगे बिल्कुल, कि आप एज अ पेरेंट जरूर सबसे पहले ये प्रिकॉशन लीजिए कि अपने बच्चों को आप ये मैसेज यहां पर दे सके, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आप अपने बच्चों को दे सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हेल्दी वे में करें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अगर गलत संगति में सोशल मीडिया के थ्रू ही अगर आप पड़ गए तो मुसीबत आपके लिए बढ़ सकती है। लेकिन हिमांशु, इसमें एक सवाल बड़ा ये आता है कि ये जो माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट होते हैं, ये आखिर आते कैसे हैं, आते कहां से हैं? और दुग्गल साहब, इसके बाद मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इन माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट के खिलाफ कोई एक्शन आईटी विभाग ले सकता है, या फिर साइबर लॉ में इसकी कोई डेफिनेशन या फिर कोई प्रावधान है या नहीं है? हिमांशु जी, जो हम ये सारा देखते हैं, ये सारे पुश मैसेजेस होते हैं जिसमें हमें पता है कि ये सारी जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं और कोई भी टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। ये मैं आपके शो पे ही कई बार ये बातें कह चुका हूँ और कई अपने अन्य शो में भी ये बातें उठा चुका हूँ कि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों इनसे नहीं टैक्सेस लेती है, क्यों इनसे नहीं बोलती है कि आप अपना एक ऑम्बुड्समैन, शिकायतकर्ता भारत में रखिए, अगर कोई भी ऐसा पोस्ट गलत शेयर हो रहा है या कुछ भी ऐसा शेयर हो रहा है तो हम उसको रिपोर्ट कर सकें, क्यों उनके सारे इसके सारे शिकायतकर्ता आयरलैंड या यूएस में बैठे हुए हैं? तो हमारी सरकार ने अभी ऐसा फ्रेमवर्क ही नहीं तैयार किया हुआ है जहां पे हम इन सारी पुश मैसेजेस को रोक सकें। कई बार तो मैसेजेस खाली इसलिए फॉरवर्ड किए जाते हैं कि उस पर लाइक्स बढ़ने से, उसके शेयर्स बढ़ने पर, उस पर किसी तरह के एडवर्टीजमेंट्स, उस पर रेवेन्यूज जनरेट होते, और यही रेवेन्यूज बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होकर करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाते हैं इन सारी कंपनीज के लिए। तो कहने का मतलब ये पूरा एक सुनियोजित नेक्सस, मैं कहूंगा कॉकस कहूंगा, जो कि हमारे देश में चल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा जो बुनियादी जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारी देश की इतनी बड़ी आबादी जो कि इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है, और अधिकांश आबादी ऐसी है जो कि मैं इलिटरेट नहीं कहूंगा लेकिन जिसको एटलीस्ट जो हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग
सोशल प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो आधे मैसेजेस बिना पढ़े हुए बिना जिम्मेदारी लिए हुए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सरकार को एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अधिशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे देश में। एक बार फिर दुग्गल से आप उसी साइबर लॉ जिसके बारे में हम लगातार कहते रहते हैं संशोधन की जरूरत है, उस पर बदलाव की जरूरत है, क्या ऐसा कोई पैरामीटर है उसके अंदर कि ऐसे पोस्ट जो कि देश में हानि पहुंचा सकते हैं, फिर से कम्युनलिज्म शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी, माहौल बिगाड़ने वाले जो पोस्ट होते हैं उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? सरकार चाहे तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इस तरह की जानकारी को ब्लॉक करने के आदेश दे सकती है और चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स भारतवर्ष में हो या भारत के बाहर हो, उनको दायित्व बन जाता है कि वो इस तरह की मैसेजेस को ब्लॉक जरूर करें। लेकिन हमने देखा है कि ब्लॉकिंग जो है बहुत ज़्यादा कारगर रेमेडी नहीं है, क्योंकि जितना ब्लॉक करेंगे उतना लोगों की उत्सुकता जो है ज़्यादा बढ़ती है। हम ये देखते हैं कि बाय एंड लार्ज ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये भारतीय कानून का के अधीन नहीं आना चाहते, खासतौर पर वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो भारत के बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि भारत के आईटी एक्ट में संशोधन की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ इस कानून को ज्यादा सशक्त बना के इसमें कड़े प्रावधान आने की जरूरत है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। आवश्यकता है कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं है उनका यहाँ धंधा बंद करें, ऑटोमेटिकली वो आपका सारा कानून फॉलो करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि हम आपका जो भारत का इतना बड़ा मार्केट है उसका हम हिस्सा भी लेना चाहते हैं, आपके कानून का पालन भी नहीं करना चाहते, ये जो ड्यूअल एज स्वॉर्ड है वो कहीं ना कहीं खत्म होना पड़ेगा। ज्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है वर्तमान कानूनी प्रावधानों को लेकर, और ऑब्वियसली इसमें ज्यादा संशोधन करके अप टू डेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और चीज राहुल यहाँ पर ये कि आजकल हमने देखा है चुनावों के दौरान, फिर चाहे किसी भी राज्य के चुनाव हो उससे पहले जो सोशल मीडिया पर लड़ाई शुरू होती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ग्रुप बन जाते हैं, सियासी लड़ाई में राजनेताओं को बड़ा मजा आता है, पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा मजा आता है, लेकिन आम आदमी जो है वो बड़े कंफ्यूजन में पहुंच जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस देखा जहाँ पे कुछ पार्टीज ने उनको हायर किया था, सो ये होता है आपके से जिस साइकोग्राफी बोलते हैं इसको। सपोज अगर आपको बार बार एक चीज दिखाई जाए कि ये पॉलिटिकल बड़ा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं आप उसको वोट डेफिनेटली नहीं देंगे। इन द सेम मैनर तो ये प्रोपेगेंडा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्रंप के केस में हमने देखा वहाँ यूएस में, तो वहाँ पे वी हैव सीन दैट। बट इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही है, बाकी अगेन कोर्ट इज देयर, लॉ इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट, बट एज ए व्यूअर आई फील दैट उनको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। फेसबुक जो हमारा बन चुका है ग्रंथ जिसके अंदर हम अपनी नॉलेज ले रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल अथेंटिक, और ना ही कोई भी सोशल मीडिया। तो जो जेन्युइन सोर्सेस जो होते हैं आपके, आप उनके ऊपर न्यूज पे ही रिलाई किया जाए। इन फेसबुक को एज एंटरटेनमेंट देखिए अगर कोई चीज सही है, बट उसके ऊपर बेस्ड ऑफ डिसीजन मत लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, और आप सही रहेंगे। बिल्कुल हिमांशु, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर कि आपको नहीं लगता ये जो फ्री डेटा या फिर सस्ते दामों पर ज्यादा मोबाइल डेटा जो आपको मिलता है वो कुछ हद तक परेशानी नहीं क्रिएट कर रहा है? क्योंकि चलिए बड़े शहरों में तो हमने देखा है कि लोग ट्विटर जैसे माध्यम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब समय कम होता है इसलिए इंटरवल्स पर इस तरह की चीजों को करते हैं, लेकिन टियर टू टियर थ्री सिटीज में जहां पर शायद लोगों के पास थोड़ा सा ज्यादा वक्त होता है, ऐसा फ्री डेटा परेशानी बढ़ा देता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इन प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, टाइम पास इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें एक्शन भी नहीं कर रहे होते लेकिन उसके बावजूद वो उस प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। यू थिंक दैट इज अ डेंजर? जी मैं समझता हूँ, डेंजर तो है ही है, लेकिन जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचाने की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये एक ऐसा जो है ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती है इसमें, क्योंकि कहने का मतलब ये अब आगे बढ़ेगा, हम गांव गांव तक बहुत छोटे छोटे स्तर तक हम अपनी एक्सपेंस इंटरनेट एक्सपेंस को बढ़ाएंगे ही, तो हमें वहां पर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जो फिल्टर लगाने की जरूरत है वो
इनकी मॉनिटरिंग करके ये जिस तरह के जो मैसेजेस हैं, इस तरह के जो संदेश हैं, जो आसपास एक्सचेंज होते हैं, वहां पे फिल्टरेशन लगाना बहुत जरूरी है। हम इंटरनेट की सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं तो उससे बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गई, बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन में, बहुत सारे खेती के हमारे देखते हैं कल्टिवेशन के, एग्रीकल्चर के चीजें जो है बहुत लोअर लेवल तक पहुंच के और आपस में जो है एक्सचेंजेस हो रहे हैं। तो खाली इस चीज को दिमाग में रख के कि हमारा 20 या 30% वो यूजेज इस तरह की चीजों में हो रहा है जिसमें हमें किसी तरह का नुकसान हो रहा है, तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि हर चीज का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, जो साइड इफेक्ट हम इंटरनेट के केस में भी देखते हैं, जो कि आउटकम के जैसे हमें इस तरह के वायलेंस क्रिएट करने वाले मैसेजेस में या भड़काऊ जो मैसेजेस होते हैं जो फॉरवर्ड किए जाते हैं उसके रेट में एज एन आउटकम मिलता है। तो लेकिन इसके लिए हम इस इंटरनेट के एक्सपेंस को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते पूर्ण तरह से। हमें थोड़ी मानसिकता बदलनी होगी और थोड़ी सी फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे हमारे। इसीलिए शायद अवेयरनेस की बात बार बार कही जाती है कि कैसे आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें ताकि आप भी किसी परेशानी में यहां पर ना पड़े। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। समझ लीजिए, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप कोई भी मैसेज शेयर करते हैं या पोस्ट करते हैं, फिर चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, माना जाएगा साफ तौर पर कि आपकी सहमति है, इसीलिए आपने उसे पोस्ट किया है। समझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, पूरी गाइडलाइंस को पढ़ें और कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसे जरूर पढ़ लें, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।